Hello, welcome to Arvind Singh Academy. And we are going to discuss today motion. This is a lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching this part 7. In this lecture, we are going to discuss some numericals. But before doing some numericals, I would like to discuss some graph about acceleration. So, how to deal with acceleration and what is uniform and non-uniform acceleration, that would like to discuss. तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं. एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है ना, या स्पीड को डिक्रीज करता है. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि स्पीड को इक्वल बढ़ाए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म. ठीक है, अब इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ऐसे कहें कि चाहे इसको ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा समझने के लिए, कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है. थोड़ा सा एक ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये है वेलोसिटी और वेलोसिटी कैसे टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है. तो एक सेकेंड के बाद, मान लीजिए कि जब बॉडी को हमने देखा वहां पे, और बॉडी को देखा तो उसकी स्पीड क्या थी? एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? और इस तरीके से उसकी स्पीड समय के साथ कैसे बढ़ रही है वो हम देखेंगे. जैसे मान लीजिए कि ये मैं कहूँ ये टाइम है, टाइम इन सेकेंड, जैसा हमेशा से लिखते रहे हैं, टाइम इन सेकेंड, और ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. मान लेते हैं कि टाइम जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उस टाइम को जीरो कहते हैं, है ना. जैसे कि हमने बता रखा है टाइम कभी जीरो होता नहीं है, बट जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तो उस टाइम को मान लेते हैं जीरो. तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी. 1 सेकेंड बाद जब t 1 सेकेंड हो गया तो आपने देखा कि उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये वेलोसिटी बढ़ रही है. 2 सेकेंड बाद आपने देखा तो इसकी स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड हो गई. 3 सेकेंड बाद आपने देखा तो इसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड हो गई. 4 सेकेंड बाद देखा तो इसकी वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड हो गई. और 5 सेकेंड बाद देखा तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना. तो इस तरीके से इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दर से लगातार बढ़ रही है. यानी इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना. पर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ रही है वेलोसिटी. अब इसको अगर ग्राफ पे हम प्लॉट करें, एक ग्राफ बनाएं इसका, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ध्यान से देखें, ग्राफ इसका बनेगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह, ऐसा, है ना. ये मान लिया हमने ये है वेलोसिटी इधर, और इधर है टाइम, ठीक है. ये है ओरिजिन, टाइम 0, 1, 2, 3, 4. अब ये वेलोसिटी जो है, वैसे हमने स्टैंडर्ड स्केल से नहीं लिखा तो यहाँ क्रॉस लगा सकते हैं, और ये मान लेते हैं कि 12 है, उसके बाद ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है, और ये 20 है. ये स्पीड हो गई. टाइम इसी के हिसाब से हम
यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड कर सकते हैं। तो जब आपने टाइम 0 देखा तब उसकी स्पीड थी 10, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे 10 भी लिख देता हूँ। और टाइम 0 था तब 10 था, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड जो है वो बढ़ के 10 हो गया। जब आपने देखा था तब उसकी स्पीड थी 10। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन जब आपने देखा तब उसकी स्पीड थी 10। ये था 10, ठीक है। और जैसे जैसे ये 10 से शुरू हुआ था और उसके बाद 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, यानी 1 सेकेंड आपने बाद देखा तो 12, 2 सेकेंड बाद देखा तो 14, 3 सेकेंड बाद देखा तो 16, 4 सेकेंड बाद देखा तो ये 18, 5 सेकेंड बाद देखा तो 20। ये इसकी स्पीड थी। तो ये ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इसमें इनिशियल वेलोसिटी थी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसमें 10 थी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसमें 10 थी। दूसरा जो ग्राफ अगर हम बनाए तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी ये 4 5 जैसे भी है हमने कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये 3 सेकंड बाद है, ये फालतू हो गया, मिट जा रहा है, ठीक है। ये 5 सेकंड बाद है, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद ये है, 5 सेकंड बाद ये है। तो ये स्पीड हो गई, ये स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे तो उसका भी ऐसे ही ग्राफ होगा। इसमें बॉडी जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कितनी है, 0। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 5 हो गई, 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 10 हो गई, 3 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 15 हो गई। ऐसा भी हो सकता है तो हर 1 सेकेंड में 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड लगातार बदल रही है। यहाँ पे जब टी 0 था, ये टाइम इधर है तो 0, ये 1, 0, 1 2 3 4 5, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा, ये 5 का मान लेते हैं स्पीड स्केल, तो आपके हिसाब से ले सकते हैं। ये 10 है, ये 15 मान लेते हैं, ये 20 मान लेते हैं, ये 25 मान लेते हैं। ये वेलोसिटी है, इधर की ओर वेलोसिटी बढ़ रही है, किसमें? मीटर पर सेकंड में। टाइम इधर है, किसमें है? सेकंड में। तो 1 सेकंड बाद ये, 2 सेकंड बाद ये, 3 सेकंड बाद ये, 4 सेकंड बाद ये और 5 सेकंड बाद ये। तो ये है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यानी जब भी ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी थी? 5। 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 15, 4 सेकंड के बाद 20 और 5 सेकंड के बाद 25, ये स्पीड है। तो ये इस तरीके से ये लगातार बढ़ रहा है स्पीड, और एक स्ट्रेट लाइन अगर दिखाई देगा तो इसका मतलब कहीं पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ? वेलोसिटी इसकी लगातार चेंज हो रही है, ये दोनों ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसमें ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसमें बॉडी कहां से शुरू हो रही है? रेस्ट से। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इसमें बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, इसमें रेस्ट था, लेकिन दोनों में ही क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप फिर एक ग्राफ देख सकते हैं। ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म जो ना हो। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कैसे कहेंगे कि व्हेन चेंजेज आर अनइक्वल, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी
आर अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आर अनइक्वल अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक सेकेंड में उसकी स्पीड हो सकता है कि शुरुआत में एक्सेलरेट करे, जब आप एक्सेलरेटर कार का देते हैं तो शुरू में बहुत तेज आप बढ़ाते हैं और धीरे धीरे फिर उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है या ज्यादा होती जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो शुरुआत में आदमी स्टार्ट किया कार को तो बहुत धीरे धीरे उसकी एक्सेलेटर एक नंबर गियर में डाला तो थोड़ी सी स्पीड चली, फिर दो नंबर में थोड़ी और हुई, तीन नंबर में, चार नंबर में, पांच नंबर में, जो भी चार ही गियर होती है, लेकिन ये गियर कई सारे कार में पांच भी हो सकती हैं। तो ये एक सेकंड बाद उसकी, दो सेकंड बाद, तीन सेकंड बाद, चार सेकंड बाद, पांच सेकंड बाद, ठीक है ना। अब कोई मिसाइल, कोई रॉकेट जा रहा है तो जैसा नीचे से स्पीड होती है वो ऊपर की ओर जैसे जैसे जाता है, एटमॉस्फेयर को पार करता है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और बहुत तेजी से उसकी स्पीड बढ़ती है। तो वेलोसिटी अगर ऐसा है और ये टाइम है यहाँ नीचे में, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, ये आपको पता ही है। तो ये स्पीड उसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, कर्व की तरफ हो रहा है, तो ये कहलाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। यहाँ पर स्लोप सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। ये अगर स्लोप यहाँ की बात करूं तो यहाँ बहुत स्लोप है ना, तो इस पॉइंट पे स्लोप बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप उससे कम है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कम है। तो स्लोप जो डिटरमिन करता है, जो पहले हमने बता रखा है कि स्लोप डिटरमिन करता है किसको, कि उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप डिटरमिन करता है। अगर ये कंपेरिजन किया जाए इसके और इसके, तो यहाँ पर स्लोप जो है यहाँ पर कम है, ये एंगल छोटा है, मुकाबले ये एंगल बड़ा है, तो ये एंगल से ही स्लोप पता चलता है, बताया ही आपको। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज मोर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए इज मोर देन एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन बदल रहा है, और बदल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये कर्व अगर है तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर कर्व है तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि यह लगातार बढ़ ही रहा हो, एक्सेलरेशन घट भी सकता है, उसको डिसेलरेशन अगर हो रहा हो तब भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेलोसिटी मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, और कर्व अगर वेलोसिटी का ऐसा बने तो हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी इधर की तरफ, टाइम नीचे की तरफ, तो ये कर्व जो होगा ये अगर ऐसे कोई कर रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ तरह आते आते स्पीड कम हो रही है, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं, वेलोसिटी यहाँ से क्या हो रहा है, वेलोसिटी लगातार समय के साथ कम होता जा रहा है, और ब्रेक लगाते हैं कभी ज्यादा कम होता है, कभी कम कम होता है, और होते होते आपकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। अगर यहाँ तक आ जाए तो इसका मतलब रुक जाती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ में यही अंतर है, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। और ये जब कर्व होगा तो इसका मतलब है कि ये लगातार वेरिएबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इस तरीके का वेरिएबल वेलोसिटी तो होता ही एक्सेलरेशन में, लेकिन यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया, इंक्रीज वेलोसिटी करने पे एक्सेलरेशन होता है और ये डिसेलरेशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या डिसेलरेशन भी, नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन भी कह सकते हैं, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन,
कुछ भी कह ले कोई दिक्कत नहीं है, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसको। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये बात रही एक्सेलरेशन की। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल जो है पहला क्या है, पहला न्यूमेरिकल है कि ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, ये लिखा है क्वेश्चन में, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन हाउ मेनी मिनट, इन 5 मिनट। 5 मिनट में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बात भी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों कि दिया क्या हुआ है। तो दिया है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब हुआ कि यू जो है वो क्या है, जीरो, एंड अटेन वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। हमने ऐसा क्यों किया, मीटर पर सेकंड में क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम कितना दिया है इन 5 मिनट्स। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चों बताओ, क्या होती है सेकंड। तो सेकंड में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, सबको पता है। तो कितना हो गया ये 300 सेकंड, ठीक है ना, 300 सेकंड्स। तो टाइम हो गया, मतलब आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, आपको दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी, आपको दिया हुआ है टाइम, और निकालना क्या है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो कैलकुलेट करना है, मतलब आपको एस भी कैलकुलेट करना है ना, क्या कैलकुलेट करना है एस, ये भी कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करोगे, तो देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला सीखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी सीखा। तो v क्या है, v है 20, u क्या है 0, और टाइम कितना है 300 सेकंड्स। तो ये हो गया 20/300, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 15 टाइम्स कट जाएगा, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना हो गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। अच्छा अब निकालना है डिस्टेंस s, तो s निकालने के लिए कौन कौन से इक्वेशन है हमारे पास, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, उसमें तो s है नहीं, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो देखो क्या ये सारी चीजें हमारे पास है, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही के लिए जो जरूरी जानकारी चाहिए हमें वो है, जैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, a पता चल चुका है, और यहाँ t मालूम है ही है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और आप चाहेंगे कि हम निकाले, कोई कहता है नहीं मैं इसे नहीं निकाल रहा, मैं तो निकालूंगा इससे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें v भी मालूम है, u भी मालूम है, ये मालूम चल चुका है, तो s निकल जाएगा, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से मैं निकाल के दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो अब v स्क्वायर, यहाँ पर v कितना दिया हुआ था 20, है ना, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड नहीं, मीटर पर सेकंड वाली, और u क्या था 0, और 2a कितना है 1/15 आया हुआ है यहाँ पे, और s निकालनी है, ये 2 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400,
और ये 15 इधर डिवाइड है, तो 0 0 ही है, 15 इधर डिवाइड है तो इधर आके होगा मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो आके होगा डिवाइड, ये हो गया एस, 2 इससे कट गया 200 टाइम्स, 15 इंटू 2 कितना होगा 3000 क्या मीटर, तो एस इज इक्वल टू हो गया 3000 मीटर या 3 किलोमीटर ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आ गया दूसरे मेथड से। अब पहले मेथड की बात करते हैं, क्या पहले मेथड से भी यही आएगा, डिस्टेंस यहाँ आ चुका है कितना हमारा 3 किलोमीटर, रुकने से मतलब बॉडी 5 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले से, यहाँ यू है 0, टी कितना दिया जी 300 सेकेंड, 1/2 ए कितना है 1/15 और टी कितना है 300 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 0 × 300 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे मिल गया 1/2 × 15 × 300 × 300, 2 300 है। अब 15 से ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 1/15 है, 15 नहीं 1/15 है इनफैक्ट, तो ये 15 2 जा, ये 15 और 2 मिलके 30 हो गए, ये 10 से कट गया है ना, 15 2 जा 30, ये नीचे वाला 30 से ये कट जाएगा तो 10 बचेगा, 300 × 10 कितना हो गया 3000 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर। तो ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है बच्चों कि किससे फॉर्मूले से करना है किस फॉर्मूले से नहीं करना है, आपको जो फॉर्मूला से मन करे उससे कर लीजिए। हाँ जरूरी है कि उसके बीच उस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के लिए जो क्वांटिटी और वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वो आपको मिला हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यू लगेगा वो हमारे पास है कि नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल लेते हैं, देखो एक अगला सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल न्यूमेरिकल ऐसे लेते हैं कि कार इज मूविंग, सेम लेते हैं, कार इज मूविंग विद सर्टेन स्पीड, सर्टेन स्पीड व्हाइल ब्रेक इज अप्लाइड, व्हाइल ब्रेक इज अप्लाइड एंड एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन ऑफ या रिटार्डेशन लिखेंगे, एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन लिखने पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, वो निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता, रिटार्डेशन ऑफ 4 m/s² इज प्रोड्यूस्ड, 4 6 प्रोड्यूस्ड कुछ भी लिख सकते हैं, तो डाटा है कितने भी न्यूमेरिकल में बदल सकते हैं, एंड देयरफॉर कार स्टॉप आफ्टर 2 मिनट्स, ठीक है 2 मिनट के बाद कार रुक गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बिफोर स्टॉप एंड आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ऑब्वियस है कहने वाली बात नहीं कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितनी दूर जाके कार रुकी ये बताना। तो कार रुक गई है इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, और एक्सेलरेशन कितना दिया है रिटार्डेशन है तो ये है -4 m/s² और टाइम कितना दिया है जी 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब कितना 120 सेकेंड है ना, ये आपको पता चल गया ये सारी, और आपको निकालना क्या है एस है ना। यू भी हमें पता नहीं है, कौन सा फॉर्मूला से एस निकलेगा, एस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उसमें टी का इस्तेमाल नहीं होगा, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें यू चाहिए, यू हमारे पास नहीं,
तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम u निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हमारे पास v पता है, u माइनस ए है -4 और t है 120 सेकेंड, है ना। तो u कितना हो जाएगा, 12 4 जा 480। इसका मतलब ये हुआ कि u जो हो गया वो हो गया हमारा कितना, ये 480, 480 क्या मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, तो इनिशियल जो स्पीड है वो है 480 मीटर पर सेकेंड। वाह, बहुत बहुत स्पीड हो गई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई, 480 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इनिशियल स्पीड ये है। अब हमें लगाना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। तो u चूंकि 480 मीटर पर सेकेंड आ गया, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अब तो कोई भी लगा सकते हैं, a u पता चल गया तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम लगा रहे हैं s इज इक्वल टू, नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना है जी, 480, और t कितना है तो 120, और प्लस हाफ a कितना है जी तो -4, और t कितना है 120 का स्क्वायर, 120 है और t स्क्वायर है इसलिए दो बार 120 लिख दूं, ठीक है। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बच गया जरा देखो, तो ये हो गया 12 8 जा 96, 20 तो आ ही गया पहले, एंड 12 4 जा 48 एंड 9 व्हाट विल हैपन, 57 57 600, और ये माइनस साइन है, एंड 12 12 जा 144, 144 इंटू 2 288 और 20 ये आ गए। तो अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 288 00, 288 00 क्या मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मीटर, यानी ये आ जाएगा 28.8 किलोमीटर। हमने 1000 से डिवाइड कर दिया मीटर को, तो इतना किलोमीटर दूर जाने के बाद जाकर के गाड़ी रुकेगी अगर एक्सलेशन अप्लाई किया जाए कार में। इस तरह का रिटार्डेशन जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये कार इतना दूर जाके रुकेगी, क्यों, क्योंकि उसकी इनिशियल स्पीड बहुत ज्यादा थी, है ना। तो इतना दूरी तय करने के बाद कार जाके रुकेगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, जब रिटार्डेशन होगी ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन होगा तो ऐसी स्थिति में कार जो है वो थोड़ी दूरी पर जाकर के रुकेगी तो जरूर, बट थोड़ा दूरी पे जाकर रुकेगी, वो दूरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मुश्किल नहीं है, एक्सलेशन जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के कंसेप्ट बता दिए, आप न्यूमेरिकल खुद करना, कोई दिक्कत हो तो लेके आना, हम अगली क्लास में फिर बात करेंगे। और अगली क्लास में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम सर्कुलर मोशन पर, तो अगली टॉपिक में सर्कुलर मोशन पे बात होगी और ब्रेक के बाद। तो आप तब तक इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और फिर मिलते हैं तो नई बात करते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल ऑन यूट्यूब ऑफ अरविंद सिंह एकेडमी, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। रोज एक वीडियो कम से कम अपलोड होता है इस चैनल पे, एक से ज्यादा भी होता है, लेकिन आपकी क्लास के लिए कम से कम एक वीडियो अपलोड होता है, आप देखें, और कहीं पर दिक्कत हो तो उसे लेके आए। जो बुकलेट आपको दी गई है उस बुकलेट से क्वेश्चन करें, और कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो हमें मैसेज जरूर करें, हमें बताएं, हम उसका सोल्यूशन लेंगे, ओके। वी विल फिक्स ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस, ठीक है, चल, ओके, बाय बाय।